नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनजी कुकिंग के डीमेट अकाउंट में आपको POA और DDPI को भेजना है या नहीं भेजना, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो एंजल बुकिंग ने 30 जून को अपडेट किया था कि DDPI वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आने वाला है, पर जो अभी इफेक्टिव 1 सितंबर 2022 ही इफेक्टिव हो गया है, यानी 1 सितंबर 2022 के बाद आप पावर ऑफ अटॉर्नी से काम नहीं चलेगा, आपको DDPI भी भेजना पड़ेगा। तो आपको दोनों फॉर्म कंपलसरी भेजना है, ठीक है। तो DDPI का मतलब ये है कि इसमें आप जो भी डिलीवरी के शेयर है या प्लेज अनप्लेज करना चाहते हैं आपके शेयरों को, या कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं जैसे बायबैक हुआ, डीलिस्टिंग हुआ, उस कंडीशन में DDPI दिया जाता है। और POA का फॉर्म है म्यूचुअल फंड को कि जो डिलीवरी है उसको सेल करना है, या म्यूचुअल फंड को सेल करने के लिए फॉर्म भरने की जरूरत होती है। तो आपको दोनों फॉर्म साथ में भेजना है। DDPI अगर और POA अगर नहीं भी भेजना चाहते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, आपको CDSL का DPIN और OTP से काम चला सकते हैं। पर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, महीने दो महीने में 15 दिन में स्टॉक को सेल करते रहते हैं, तो आप पावर ऑफ अटर्नी और DDPI जरूर भेज दीजिएगा ताकि आपकी ट्रेडिंग है वो स्मूथ हो सके। और अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन या बायबैक या POA वगैरह ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिव ट्रेडर है, तो आपको DDPI और POA जरूर भेजना चाहिए ताकि आपकी ट्रेडिंग में स्मूथनेस आ सके। तो इसके लिए दो फॉर्म आपको लगेंगे। पहला है पावर ऑफ अटर्नी का फॉर्म, जिसमें आपको इस तरह का फॉर्म रहेगा, ठीक है। पावर ऑफ अटर्नी इस पे लिखा रहेगा, ये ड्यूली स्टाम्प लिखा रहेगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है और यहाँ आपको बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर कहाँ मिलेगा, अपने मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ये नंबर दिख जाएगा, ये DPI में आपका ये नंबर दिख जाएगा। तो शुरू के जो 8 डिजिट होते हैं वो DPI होता है, और बाद के जो 8 डिजिट होते हैं वो आपका क्लाइंट आईडी होता है। आप क्लाइंट आईडी जैसे ये मेरा है, ये वाला क्लाइंट आईडी मैं डाल दीजिएगा ये, ठीक है। आप माय प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको ये DPI डिटेल मिल जाएगी और यहाँ से आप DPI डिटेल फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप 8 डिजिट वाला ही क्लाइंट आईडी है जो वही डालिएगा, क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो DPI आईडी उन्होंने ऑलरेडी देखे रखा है 8 डिजिट, ठीक है। तो आपको DPI आईडी के बाद वाले जो 8 डिजिट है वो ही बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर में डालना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो फर्स्ट होल्ड होल्डर है तो इसी में सिग्नेचर करना है, ठीक है। बाकी के ये दोनों ब्लैंक छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर विटनेस का सिग्नेचर, विटनेस का नाम और एड्रेस लिख दीजिएगा। ये अथॉराइज सिग्नेचरी और डेट को आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये ऑफिशियली चीज है, ठीक है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म हो गया, और DDPI का फॉर्म भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको डीमेट एंड डेबिट एंड प्लेस इंस्ट्रूमेंट ऐसा लिखा हुआ DDPI का ही ऑलरेडी फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ये भी सेम ही है। इसमें भी आपको अपना जो नाम है जो डीमेट अकाउंट में है वही वाला नाम लिखना है। बेनिफिशियरी अकाउंट में आपको वही अपना DPI कहाँ पर जाएंगे, आपके डीमेट में जाएंगे, डीमेट में माय प्रोफाइल में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर DPI के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपनी क्लाइंट आईडी जो 8 डिजिट का लास्ट वाला जो होता है वही वाला आप डालिएगा, ठीक है। DPI तो ऑलरेडी दे के रखा है तो आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर का नाम लिखना है, ठीक है। इसमें एक एडिशनल चीज होगी, यहाँ आपको नाम लिखना पड़ रहा था पावर ऑफ अटॉर्नी में, आपको ऐसा कोई भी नाम वगैरह अपना साइन के ऊपर नहीं लिखना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे साइन अपना फुल नेम लिख दीजिएगा और इस नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद एक विटनेस से सिग्नेचर करवा लीजिएगा उनका नाम एड्रेस करके। आप किस एड्रेस पर भेजना है तो देखिए यहीं पर ये लिखा हुआ है कि आपको जो हैदराबाद का जो ऑफिशियल एड्रेस है, एंजल वर्ल्ड ओमान प्लाजा 2nd फ्लोर नागार्जुन सर्कल, जो हैदराबाद का एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको कुरियर करना है, ठीक है। इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये आपका जो पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म में अगर आपको लिखना चाहे तो काइंडली एग्जीक्यूट POA तो ऐसा लिख सकते हैं ताकि आपको DDPI के साथ आपको पावर ऑफ अटॉर्नी भी साथ में हो सके। तो ये सारी फिजिकल प्रोसेस का कोई भी ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं है, तो बाकी अफवाहों में मानना ही पड़े। आप इन दोनों फॉर्म को डाउनलोड करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। अभी तक एनजीएल बुकिंग डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है, वहां से आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस फॉर्म को जल्दी जल्दी भरवाकर आप एनजीएल बुकिंग के ऑफिशियल एड्रेस पर पहुंचा सकते हैं। ये फिजिकली है, आपको कोरियर के थ्रू ही भेजना पड़ेगा, ये क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्लाइंट को खुद ही भेजना पड़ता है अगर वो ऐसा ट्रेडिंग में चाहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।